और क्योंकि मेरी मॉम सिंधी फैमिली को बिलोंग करती है तो आई एम वेरी वेल एक्वेंटेड विद मेनी ऑफ द सिंधी डिशेस. सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि इस प्लेट में क्या क्या है. मुंबई में हर किसी को पता है कि साइन के होटल गुरुकृपा के समोसे कितने फेमस और टेस्टी हैं, पर ये नहीं पता कि समोसे के साथ में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेमस है और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है. चाहे वो डोसा हो, पाव भाजी हो, स्वीट्स हो, सारे के सारे आइटम्स फेमस है. बट मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रही हूँ कुछ सिंधी आइटम्स की, जो कि है दाल पकवान या सिंधी करी विथ राइस और ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो मैं आज यहाँ पे सिर्फ फूड रिव्यू करने आई नहीं हूँ क्योंकि मैं तो बहुत बार खा चुकी हूँ, पर आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि होटल गुरुकृपा की क्या क्या स्पेशलिटीज़ है. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. एक स्पेशियस डाइनिंग हॉल है यहाँ पे और इसके अलावा एक एसी सेक्शन भी बनाया गया है. तो ये है होटल गुरुकृपा और यहाँ पे मेरे राइट में है साउथ इंडियन काउंटर और समोसा, छोले, टिक्की ये सब इसी तरफ मिलते हैं. लेफ्ट में आप देखोगे तो पहले स्वीट सेक्शन है और यहाँ पे आपको लस्सी और एक से बढ़कर एक बढ़िया मिठाइयाँ मिल जाएंगी. देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा. इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चल के डिटेल में बताऊँगी. ये देखिए यहाँ पे है छोले टिक्की और छोले समोसे का काउंटर और यहाँ के भजिया और वड़े भी इक्वली गुड होते हैं. आप होटल गुरुकृपा में कितने बजे भी आ जाइए, यहाँ पे हमेशा इसी तरह की भीड़ लगी रहती है. तो यहाँ पे बाहर भी थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है तो आप बाहर बैठ के भी खा सकते हैं और ये हमेशा बहुत क्राउडेड होता है. इसके लिए आप चाहो तो आप अंदर रेस्टोरेंट में बैठ के भी खाना खा सकते हो. रेगुलर 84 से गुरुकृपा में आता हूँ और यहाँ का समोसा बहुत फेमस है और स्पेशली समोसा खाने के लिए हम दूर से मजी बंदस, मेरा ऑफिस है गोरेगांव में रहता हूँ, इसका रेगुलर मुझे आने का हमेशा खाने के टेस्ट के लिए मैं गुरुकृपा में. और फ्रेंड्स आपके लिए मैं एक स्पेशल इनविटेशन लेकर आई हूँ क्योंकि हम 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बहुत ही जल्द होने वाले हैं. इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ईमेल आईडी कमेंट्स में टाइप कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको इन्विटेशन दे रही हूँ मेरे साथ मेरे फूड ब्लॉग में आके और फूड रिव्यू करने का. तो मैंने होटल गुरुकृपा के फेमस स्नैक्स ऑर्डर कर दिए हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और टेस्टी डिश है समोसा. तो चलिए सबसे पहले समोसा खाते हैं. दिस इज़ अ प्लेट ऑफ छोले समोसे. इसमें इन्होंने दिए हैं 2 pieces ऑफ समोसा. ये देखिए कितना बढ़िया समोसा दिखाई दे रहा है. ये जो फ्राई किया है इन्होंने, इसका टेक्स्चर पूरा एक जैसा है, कहीं पर भी ज़्यादा फ्राई या कम फ्राई ऐसे नहीं है और इसकी वजह से ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है. और ये साथ में दिए हैं छोले, ये रहे, ये है कटी हुई प्याज और हरा धनिया और ये मीठी चटनी भी इन्होंने दी है साथ में. और ये जो समोसे की खुशबू आ रही है ना इतनी बढ़िया, बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है. तो चलिए लेट्स ट्राई द समोसा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. और ये समोसा अगर मैं देखूं अंदर, ये जो आलू की फिलिंग है कुछ डार्क जैसा कलर है, यूजुअली ऐसा कलर नहीं होता है. कुछ मसाला है इनका स्पेशल जो हमेशा यही खुशबू और यही टेस्ट इसमें देता है. तो इस समोसे को मैं अब खाने वाली हूँ छोले के साथ और इसे हम चाट बना के खाएंगे. अच्छे से छोले इसके ऊपर डाल दिए, थोड़ी मीठी चटनी डाल दी और थोड़ी प्याज. जो मीठी चटनी इन्होंने दी है वो इसके ऊपर डाल के बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आ रहा है. छोले का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और समोसे का जो ये आउटर कवर है ये बहुत खस्ता है जिसकी वजह से खाने में बहुत मज़ा आ रहा है. छोले भी अगर आप देखो तो बहुत अच्छे से गल गए हैं और जब छोले ऐसे गल जाते हैं ना तभी उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है जैसा कि इसमें आ रहा है. सो दिस इज वेरी नॉस्टैल्जिक विथ मी एंड द टेस्ट इज स्टिल द सेम एज आई यूज्ड टू हैव इन माई चाइल्डहुड डेज.
नेक्स्ट डिश दैट आई एम ट्राइंग इज द छोले टिक्की एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट. सो समोसा और छोले टिक्की में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होता है मेरे लिए एंड आई एम ऑलवेज कन्फ्यूज कि मैं दोनों में से क्या लूँ. और ये जो मीठी चटनी है तो इसके बारे में क्या बोलूँ मैं आपको, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. दिस इज सो यमी. जैसे मैंने आपको बोला यू नो कांट से समोसा इज बेटर और द टिक्की इज बेटर. ये इतना अच्छे से फ्राई किया है ना, ये देखिए इसका जो आउटर कवरिंग है ये इतना क्रिस्प हो गया है, बिल्कुल देखने से ही दिखाई दे रहा है. ये देखिए आवाज़ भी आ रही है और इसकी वजह से ना इसका जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इसका जो मसाला है ये भी बहुत टेस्टी बनाया है. और छोले के साथ तो इसे खाते ही हैं सब लोग, लेकिन मेरे रेकमेंडेशन पे आप सिर्फ टिक्की को चटनी में डिप करके खाके ज़रूर देखिएगा. जस्ट लव्ड इट. दिस छोले भटूरे ओवर हियर एंड समोसा चाट. सो आई हैव बीन अ रेगुलर कस्टमर ओवर हियर एंड आई वुड से दैट यू शुड ऑल ट्राई दिस छोले भटूरे ओवर हियर. इट्स फैंटास्टिक. And if you ask me, then one thing more to try is the chaas over here. It's too good. और इसके बाद जो मैंने डिश ऑर्डर की है, दिस इज दाल पकवान. ये जो पकवान है ये कभी गेहूं के आटे से बनाया जाता है, कभी मैदे से बनाया जाता है, इसे डीप फ्राई किया जाता है. टेक्सचर देखिए इसका भी इतना बढ़िया है, पूरा इवनली फ्राइड है ये और बहुत ही क्रिस्प है. ये देखिए कितना आसानी से टूट रहा है. इसके साथ में सर्व करते हैं ये चने की दाल. जब ये सर्व हुई थी तो इतनी गर्म थी कि इतना धुआं निकल रहा था इसमें से. और इसके साथ भी इन्होंने दी है ग्रीन चटनी और ये स्वीट चटनी, दोनों तरीके की चटनी इसके साथ दी है और कच्ची प्याज सर्व की है साथ में. ये जो डिश है ये सिंधी कम्युनिटी की बहुत ही फेमस डिश है. और इसे कैसे खाते हैं मैं आपको बताती हूँ. ये जो चने की दाल है इसे इसी तरह से थोड़ा सा गाढ़ा बनाया जाता है ताकि इसको पकवान के साथ लिफ्ट करने में आसानी हो. और ये ग्रीन चटनी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये मीठी चटनी. वाओ ना टेम्पटिंग लग रहा है ना ये. और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये प्याज और हरा धनिया. तो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस यम्मी दाल पकवान. बहुत ही बढ़िया है. एंड दिस इज नॉट यू नो कि मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, मैं कई बार यहाँ पे खा चुकी हूँ और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिलती हैं. तो आज मैं स्पेशली आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें ट्राई कर रही हूँ आपके सामने. मला है ना इथे गुरुकृपाचा समोसा है ना खूप आवडतो. स्पेशली मी खूप लांबून या गुरुकृपाचा समोसा खाण्यासाठी येते. आणि बेस्ट मीन्स मी रसमलाई पण इथलची टेस्ट केली, एकदम ऑसम आहे आणि टेस्ट एकदम छान आहे. वाव इतने फूले फूले भटूरे, सो टेम्पटिंग ना. दो बड़े पीसेस ऑफ भटूरे, इसके साथ में ये है छोले. और ये जो छोले हैं ये समोसे वाले छोले से अलग हैं, देखिए कलर ही अलग है इनका. साथ में दिया है बूंदी रायता एंड एक फ्राइड पापड़. इतने बढ़िया फूले भटूरे हैं कि ऐसा लग रहा है कि देखते ही रहो. और ये देखिए वाओ क्या टेक्सचर है इसका. और अंदर से देखिए कितना अच्छा स्पॉन्ज है, बहुत ही स्पॉन्जी है क्रिस्प भटूरे. सो ये छोले मैं इसके साथ ले लेती हूँ और थोड़ी सी प्याज. And this delicious looking chole bhature in my mouth. Very tasty. सारी चीज़ें बहुत अच्छी है. ये जो छोले हैं ये समोसे के साथ जो सर्व किए जाते हैं वो छोले नहीं हैं. इसका कलर देख के ही पता चलता है, इसका कलर और उसके कलर में बहुत डिफरेंस है. सो दिस इज पेड विद द भटूरे एंड जो थोड़े से डार्किश कलर के छोले हैं दैट इज पेड विद द समोसा एंड टिक्की. However, I like the darkish one more. बूंदी रायता साथ में दिया है उन्होंने, इसे टेस्ट करते हैं.
bit sweet. And papad also they've served. मुझे मेरे हस्बैंड ने ही बताया, जब मैंने शादी की तब हम लोग फर्स्ट टाइम आए तो मैं गुरुकृपा में आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा बेटा स्पेशली कभी कोई बाहर तली हुई चीज़ें खाता है नहीं, उसे पसंद नहीं बटाटा वड़ा ये ऐसे समोसा, लेकिन जब इधर आया और उसने फर्स्ट टाइम खाया तो उसे इतना अच्छा लगा समोसा, वो कभी भी आता है तो इधर आता है, बाकी किधर का भी वो खाता नहीं है, लेकिन गुरुकृपा स्पेशल समोसे के लिए आता है। इनके भटूरे भी अच्छे हैं, छोले भटूरे और दही वड़ा भी अच्छा है इनका, और सेव बर्फी तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छे। And this is another favorite dish of mine. This is Sindhi curry with rice. और क्योंकि मेरी mom Sindhi family को belong करती है तो I am very well acquainted with many of the Sindhi dishes. So being a part of a Sindhi family and trying so much of Sindhi cuisine, Sindhi curry with rice को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, तो ये भी मैंने ले लिया है। So let's go ahead and see कि इस plate में क्या क्या है। ये है Sindhi curry, इसके साथ में दिया है प्लेन राइस, पापड़, दिस इज मोतीचूर का लड्डू एंड वन पीस ऑफ आलू टिक्की आल्सो अलोंग विद दिस कॉम्बो। सो सिंधी करी में ये आलू का पीस दिखाई दे रहा है मुझे, भिंडी डाली है, गवार है और ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स इसमें डाले जाते हैं और भी कुछ कुछ, और इसे हम ट्राई करेंगे राइस के साथ में। बहुत धुआं आ रहा है इसमें, एकदम गर्म सर्व किए हैं इन्होंने, और इसे हम एंजॉय करेंगे कढ़ी चावल के साथ। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। कढ़ी जो है हल्का सा खट्टा टेस्ट है इसका, क्योंकि इसमें इमली का यूज़ किया जाता है, कई बार कोकम भी यूज़ किया जाता है, तो दोनों का मिला जुला हल्का सा टैंगी फ्लेवर आ रहा है, वो डिफरेंट टेस्ट है। इसमें सब्जियां भी यूज़ की जाती है जिसकी वजह से उनके सूप से भी और टेस्ट इसका बढ़िया हो जाता है, न्यूट्रिशस भी हो जाती है। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट आइटम्स एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई दिस जब भी आप अगर होटल गुरुकृपा में आते हो तो। और ये है मोतीचूर का लड्डू, क्योंकि कढ़ी चावल जब सिंधी लोग सर्व करते हैं तो उसके साथ में मीठी बूंदी भी सर्व की जाती है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है मोतीचूर का लड्डू। इट्स यम्मी, शुद्ध घी के लड्डू हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट है, मीठा एकदम परफेक्ट है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको स्वीट्स काउंटर पे दिखाने वाली हूँ, हर मिठाई यहाँ पे अच्छी मिलती है, बिलीव मी। फर्स्ट टाइम आलू फ्रेंड्स बरबर, फर्स्ट टाइम ही तो समोसा टेस्ट किया तो खूब स्पेशल है समोसा विथ पैटीस आर छोले भटूरे पण खूब छान है, आणि आम्ही हा तर आम्ही कुर्ल्यावरून आलो इथे फेमस यासाठी, आणि विथ स्वीट इकडे रसमलाई तर आता ऐकायला आले की रसमलाई पण खूप छान आहे, ती पण आम्ही ट्राय करणार आहे, द बेस्ट सर गुरुकृपा इज बेस्ट। और अब आई है स्वीट्स की बारी, तो मैंने तीन स्वीट्स मंगाए, एक तो मैंने मंगवाई है स्वीट लस्सी, ये देखिए वाओ इतनी सारी मलाई इन्होंने डाली है, और ये पिस्ता की कतरन जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सियाम गाड़ी लस्सी है, बहुत ज़्यादा गाड़ी भी नहीं है बट इतनी गाड़ी है कि अच्छी लग रही है, मलाईदार तो है ही, आपने देखा ही। यहाँ पे केसर लस्सी भी मिलती है जो बहुत बढ़िया होती है, मगर आज मैंने प्लेन पंजाबी लस्सी ऑर्डर की है एंड इट्स परफेक्टली स्वीट। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा फेमस स्वीट है ना वो है सेव की बर्फी, ये सिंधी लोगों का बहुत ही फेमस पॉपुलर स्वीट होता है। वाओ ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खोया दिख रहा है इसमें और ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं, पिस्ता डाला हुआ है। इट्स वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस। दिस इज नॉट लाइक द रेगुलर स्वीट्स, जो हम यूजुअली कोई भी बर्फी खाते हैं वैसी नहीं है, और टेस्ट एग्जैक्टली कैसा है वो जानने के लिए तो आपको होटल गुरुकृपा में आके सेव बर्फी ट्राई करनी पड़ेगी। दिस इज़ अ सिंधी स्पेशल स्वीट लाइक आई सेड एंड यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई दिस इफ एवर यू हैपन टू विजिट होटल गुरुकृपा। इसके साथ ही मैंने ऑर्डर किया है गुलाब जामुन,
अब गुलाब जामुन तो हर जगह मिलते हैं, तो आप बोलोगे गुलाब जामुन क्या ऑर्डर करना और क्या देखना, बट यहाँ के गुलाब जामुन बहुत अलग होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं। वैसे तो यहाँ पे शाही गुलाब जामुन भी मिलते हैं, बट मैंने प्लेन गुलाब जामुन ऑर्डर किए हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी चाशनी डाली मैंने गुलाब जामुन के ऊपर, और ये देखिए इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, तो चलिए लेते हैं इसका एक बाइट। मैंने आपको बोला था ना इसका टेस्ट डिफरेंट होता है, हल्की सी रोज की खुशबू आ रही है इसमें, भीनी भीनी बहुत अच्छी लग रही है। अंदर भी ड्राई फ्रूट है, जो खोया है मावा जिसे बोलते हैं, उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है, और उसकी वजह से टेक्सचर भी बहुत इसका अच्छा है। दिस इज़ रियली अमेजिंग। अगर आप मुझे पूछोगे ना कि होटल गुरुकृपा में आके जो भी मैंने चीज़ें आज खाई है तो उनमें से सबसे अच्छी मुझे क्या लगी, तो मैं बोलूँगी समोसा विद छोले, टिक्की विद छोले, सिंधी करी विद राइस, एंड गुलाब जामुन ऑफ कोर्स, दाल पकवान टू वो भी बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ें तो आपको ट्राई करनी ही है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी। मैं अभी गुरुकृपा होटल में आई हूँ जस्ट फॉर ईट टू समोसा एंड रसमलाई टू, और यहाँ की रसमलाई बहुत फेमस है जो बहुत डिलीशियस लगती है, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई द सम फूड्स और स्पेशली समोसा छोले। मध्य प्रदेश इंदौर से आया हूँ मैं। इस कचौरी समोसे खाता नहीं हूँ, मगर यहाँ पर दो समोसे खाए हैं मैंने, और इंदौर में कचौरी समोसे छप्पन दुकान सराफा में फेमस है, उसके बावजूद भी हम भी जाते हैं, इसके बाद बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। होटल गुरुकृपा में आप अपनी पार्टीज या गेट टुगेदर्स के लिए स्नैक बॉक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे एक स्नैक बॉक्स की पैकिंग हो रही है जिसमें इडली, चटनी, समोसा, सैंडविच एंड गुलाब जामुन रखे जा रहे हैं। होटल गुरुकृपा के स्वीट सेक्शन में आपको वैरायटी ऑफ बर्फीज नेचुरल फ्लेवर्स में और ड्राई फ्रूट फ्लेवर्स में मिल जाएगी, जैसे कि मैंगो बर्फी, पिस्ता, अखरोट, बादाम बर्फी, रोज बर्फी, मावा के पेड़े, केसर पेड़ा, काजू की बहुत तरह की मिठाइयाँ। स्पेशली वन ऑफ माई फेवरेट्स इज काजू कतली। आप एक बार यहाँ की काजू कतली टेस्ट कीजिए और फिर मुझे बताइए कि मुंबई में इससे बेटर काजू कतली और कहीं मिलती है क्या। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं, क्योंकि आपको मेरे 10K की स्पेशल सेलिब्रेशन में आना है। तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो।